हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, वो टॉपिक है लीनियर इंडिपेंडेंट सेट एंड लीनियर डिपेंडेंट सेट। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की डेफिनेशन को एक बार जल्दी से समझते हैं, क्योंकि उस डेफिनेशन को ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स, V1, V2, VN, ये हमारे पास एक वेक्टर्स का सेट है, और जो वेक्टर स्पेस हमने कंसीडर किया फ्रेंड्स, V वेक्टर स्पेस और F, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को ही फ्रेंड्स हम वेक्टर्स बोलते हैं, और फील्ड के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं स्केलर्स। तो जैसा कि ये वेक्टर्स का सेट है और ये अपने आप में V वेक्टर स्पेस का सबसेट है, तो हम इस सबसेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे फ्रेंड्स, अगर हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का A1V1 प्लस A2V2 प्लस ANVN, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो के इक्वल आता है, जहां पर जो ये सारे के सारे स्केलर्स हैं फ्रेंड, ये फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये केवल एक ही शर्त पर आना चाहिए कि जो ये स्केलर्स यूज हुए हैं, ये सारे के सारे ही जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये नॉन एम्प्टी सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो हम इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बोलेंगे। इसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जीरो के अलावा, जो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना दे। और अगर इन स्केलर्स में से कोई एक स्केलर नॉन जीरो है और फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो के इक्वल है, तो हम इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट सेट बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, इन बातों से हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम सेट के अंदर एक ही वेक्टर कंसीडर करते हैं, जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर को अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये LI सेट है या लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो जैसा कि हम इस जीरो वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉम्बिनेशन है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, जीरो वेक्टर के इक्वल, ये जीरो वेक्टर के इक्वल ही आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्केलर हमने यूज किया है फ्रेंड्स, वो जीरो ही लेना पड़े, क्योंकि अगर आप ए को टू के इक्वल या ए किसी फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट के इक्वल हो गए, तो फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल ही आएगा। तो इस बात का मतलब है कि जो जीरो वेक्टर है फ्रेंड्स, अगर वो किसी सेट के अंदर हो, तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनेगा। तो किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट को LI सेट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इस पॉइंट को देखना होता है कि क्या उस सेट के अंदर जीरो वेक्टर तो नहीं है। अगर जीरो वेक्टर है, तो वो सेट ऑटोमेटिकली लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर स्पेस आर ओवर आर। हमने वेक्टर स्पेस कंसीडर किया सेट ऑफ रियल नंबर, और बेस बिल्ड भी है फ्रेंड्स सेट ऑफ रियल नंबर ही, और हमें चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर का कौन सा सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। अभी अभी हमने चेक किया, सिंगलटन जीरो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होता है। सिंगलटन वन को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, और हमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन को चाहिए कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आए, तो इस स्केलर को ही जीरो हो अगर होना पड़े, तो ये सेट LI होगा। लेकिन अगर ए अगर ऐसा नॉन जीरो नंबर है कि नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ जाता है, तो उस केस में ये सेट LD होगा। लेकिन ऐसा कोई भी स्केलर एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रेंड्स कि अगर हम उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें जीरो वेक्टर ऑब्टेन हो, इस ए को जीरो ही होना पड़ेगा। तो जो सिंगलटन वन है सेट, ये फ्रेंड्स इस वेक्टर स्पेस का LI सबसेट है। सी ऑप्शन को हम बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। सी ऑप्शन के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और 1 2 3 के लिए हम A(1) प्लस B(2) प्लस C(3) इज इक्वल टू जीरो, और हमें चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आए, तो ए और बी और सी ये सारे के सारे जीरो अगर होंगे, तो ये सेट LI होगा। और अगर अगर इन सारे के सारे स्केलर्स में से एक भी स्केलर अगर नॉन जीरो होगा, तो ये सेट LD होगा। तो हम इस पॉइंट को बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम A और B को 1 के इक्वल लेते हैं और C को अगर -1 के इक्वल लेते हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन जाता है। लेकिन कोई सारे के सारे स्केलर नॉन जीरो हैं, तो इस बात का मतलब है जो C सेट है फ्रेंड्स, वो है LD। सिमिलरली हम D सेट को चेक कर सकते हैं, D सेट भी LD सेट होगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन B। पिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज LD। हमें एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट गिवन है। मान लेते हैं कि V1, V2, V3 तीन ही वेक्टर ज़ूम करते हैं, मान लेते हैं ये एक LD सेट है,
तो इसका जो सुपर सेट होगा, सुपर सेट का मतलब है फ्रेंड्स तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स, अज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर एक्स्ट्रा है, अगर ये एलडी सेट है तो क्या सुपर सेट भी एलडी होगा? जरूर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं जब यही वी वन वी टू वी थ्री सेट, जब यही सेट एलडी है तो इस बात का मतलब है ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है। और जहां पर ये सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं है, इनमें से कम एक ऐसा स्केलर है जो जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन आई, जिसके कोरस्पोंडिंग जो ए आई है वो नॉन जीरो है। तो इस सेट को चेक करना कि ये सेट एलडी होगा बड़ी इजी है, क्योंकि हम इसी लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जीरो इंटू ए फोर एड कर देते हैं, फिर भी इस लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जीरो ही ऑब्टेन करेंगे। लेकिन क्योंकि यही स्केलर सारे के सारे जीरो नहीं थे, तो इसके अंदर अगर हम एक और टर्म को ऐड करने से स्केलर्स फिर भी सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक स्केलर तो फिर भी नॉन जीरो ही रहेगा। तो इस बात का मतलब है सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई, तो किसी एल आई सेट का सबसेट एल आई होगा, बिल्कुल होगा फ्रेंड्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट भी करेक्ट स्टेटमेंट थी। इसको हम इससे रिलेटेड थ्योरम को पढ़ते हैं और इस पॉइंट को आप खुद से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर वी वन वी टू वी थ्री अगर तीन ही वैक्टर ले और ये सेट एल आई है, तो इसका कोई सबसेट लोगे, सबसेट जैसे कि सिंगल वेक्टर हो सकता है वी वन हो सकता है और वी टू, वी वन वी टू हो सकता है और ये खुद भी हो सकता है। जब वी वन वी टू वी थ्री तीन एलिमेंट का सेट ही एल आई है, तो इससे छोटा जो सेट होगा सबसेट होगा वो भी पक्का एल आई ही होगा। ए सेट विच कंटेन्स नल वैक्टर इज एल डी, नल वैक्टर का फ्रेंड्स मतलब है जीरो वैक्टर, वो हमने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। अगर किसी सेट के अंदर जीरो वेक्टर आ जाता है तो वो सेट डेफिनेटली एलडी होगा, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। एल आई सेट ऑफ वेक्टर्स इज यूनिक, फोर्थ ऑप्शन फॉल्स है। एल आई सेट किसी वेक्टर स्पेस का जरूरी नहीं होता फ्रेंड्स वो यूनिक हो, जैसा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो काउंटर एग्जाम्पल है, हमने फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रियल वेक्टर स्पेस कंसिडर किया था और यहां पर सिंगलटन वन इसका एक एल आई सेट था, सिंगलटन वन में कोई खास बात नहीं थी, हम सिंगलटन टू कंसीडर कर सकते थे, ये भी एल आई सेट होगा, सिंगलटन थ्री। तो किसी वेक्टर स्पेस के एल आई सेट इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं अगर जो वेक्टर स्पेस हमने कंसीडर किया है वो इनफाइनाइट हो, तो यूनिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर थ्री ओवर आर इज एल आई। हमें फ्रेंड्स फोर ऑप्शन गिवन है और इस कंसेप्ट के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाएं। हमें फ्रेंड्स ये चेक करना है कि कौन सा सेट एल आई सेट होगा, और एल आई सेट के लिए अगर हमें वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हों टपल्स की सेंस में, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो मेथड है हम इन वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स की सेंस में। फर्स्ट वेक्टर वन माइनस टू वन, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं वन माइनस टू वन, सेकेंड है टू वन माइनस वन और थर्ड है सेवन माइनस फोर वन। और फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स को हम रो ऑपरेशन लगाकर रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, रो एक्लन फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे, और रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी, इस मैट्रिक्स की हम रैंक को ऑब्जर्व करेंगे। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक इस मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, जैसा कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है फ्रेंड्स थ्री, तो जो रो एक्लन मैट्रिक्स है उसकी रैंक अगर थ्री के इक्वल हो, तो ये जो वेक्टर्स हमने कंसिडर किए थे ये एल आई होंगे। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक थ्री से कम हो, तो ये वेक्टर्स का सेट जो होगा फ्रेंड्स वो एल डी होगा। तो ये वर्किंग प्रोसेस है, इसे हमें माइंड में जरूर रखना है, हमें इन सभी वेक्टर्स के कोरस्पोंडिंग यू मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और मैट्रिक्स से हमें रो एक्लन फॉर्म को रिड्यूस करना है। और रो एक्लन फॉर्म को हम रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं बाय सुटेबल रो ऑपरेशंस। तो इस तरीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर पूछा जा सकता है। हाँ फ्रेंड्स, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, वो है कि जब वेक्टर स्पेस को ही हम चेंज कर दें, जैसे कि यहां पर जो वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर था, यहां पर जो वेक्टर स्पेस कंसिडर किया पी फोर ओवर आर, पी फोर का मतलब है फ्रेंड्स वो सारी की सारी पॉलीनोमियल्स जिनकी जो डिग्री है एटमोस्ट फोर है, और इन पॉलीनोमियल के जो कोफिशिएंट है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इस वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स वो अपने आप में पॉलीनोमियल्स होंगी, तो हमें इन सेट्स को चेक करना है कि कौन सा सेट एलडी होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो हम एक बार फर्स्ट ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं, सी और डी ऑप्शंस को आप खुद से ऑब्जर्व करना। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है
एक्स प्लस वन इस वेक्टर स्पेस का वेक्टर है, तो हम एलडी सेट चेक करने के लिए हम उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल आ जाए तो इन सारे के सारे स्केलर्स को ही जीरो होना पड़ता है अगर ये सेट एल आई हो। अगर इनमें से कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो हो जाता है तो ये सेट एल डी होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इन स्केलर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि इन स्केलर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक्स की पावर जो वन है उन टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, जैसे ए एक्स माइनस यहां पर माइनस बी इंटू एक्स प्लस टू सी इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फ्रेंड्स इस साइड एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, इस साइड जो जीरो है। हम कॉन्स्टेंट टर्म को इकट्ठा करते हैं, ए ए इंटू वन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस साइड कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है। और एक्स क्यूब की टर्म, एक्स क्यूब की टर्म के जो कोफिशियंट होंगे फ्रेंड्स वो होंगे बी, क्योंकि बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस साइड एक्स क्यूब का भी कोफिशियंट जो है वो जीरो है। यहां से फ्रेंड्स अब हम इन इक्वेशन से एक्स को कॉमन लेते हैं, एक्स से कॉमन लेंगे तो यहां से ए माइनस बी प्लस टू सी इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, यहां से फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इस थर्ड इक्वेशन से ऑब्टेन होगा बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। क्योंकि हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम अब एक होमोजेनस सिस्टम को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो एक्स है वो जरूरी नहीं कि वो जीरो हो, इन कोफिशियंट्स को ही जीरो होना पड़ेगा। तो जो होमोजेनस सिस्टम बनेगा फ्रेंड्स वो होगा ए माइनस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो और बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां से हमें होमोजेनस सिस्टम ए बी सी की सेंस में ऑब्टेन हो चुका है, और हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज करके आप ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन फ्रेंड्स हमें इस तरीके से सॉल्व करने होंगे। ये क्वेश्चंस लेंथी हैं, हम एग्जाम में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे जो 30 सेकंड से पहले होने के हैं। इन क्वेश्चंस को अगर हमारे पास एग्जाम में टाइम रहता है तो हम तभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट कंसेप्ट के ऊपर किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया। थैंक यू।